नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नेहा मलिक स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे अनअकैडमी स्टूडियोस एनग्रेव पे। ये है हमारी एक्सपर्ट टीम, काशिफ अंसारी जी, बडोनी सर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, जो सीपीओ 2019 अभी आ रहा है, 9 दिसंबर से 13 दिसंबर तक जो चलने वाला है, उस सीपीओ 2019 पे आज हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, नेहा मलिक। मेरे बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। टीचिंग एक्सपीरियंस 5 इयर्स, 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को मैं मेंटर कर चुकी हूँ। 2015 सीजीएल क्लियर है, 14 एंड 15 सीपीओ मैंने क्लियर किया है, स्टेनोग्राफर 15 से 18 लगातार। टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, हमारे लिंक को ज्वाइन कीजिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप, यस, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आपको तुरंत इंस्टॉल करना है ताकि आप अपना लक्ष्य सेलेक्ट कर पाए। अगर आपका एसएससी एग्जाम्स लक्ष्य है तो उस पर क्लिक कीजिए। बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी प्लस, अनअकैडमी प्लस के क्या बेनिफिट्स है एक ही सब्सक्रिप्शन लेने पे। फॉर एग्जाम्पल, आप इंग्लिश का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप उस पर जीएस, रीजनिंग, मैथ्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। रियल टाइम इंटरेक्शन पा सकते हैं आप एजुकेटर्स के साथ, लाइव क्लासेस में अपने डाउट पूछ सकते हैं। अगर आप अवेलेबल नहीं हैं तो हमारी वीडियोस को डाउनलोड करके उनको ऑफलाइन भी देख सकते हैं। वीकली या मंथली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, टॉप नॉच एजुकेटर्स हैं हमारे। NM Live, yes, NM Live कोड आ गया है, इस कोड को ध्यान से देख लीजिए क्या फायदा मिल सकता है। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं जिसकी फीस 6000 है, NM Live कोड अप्लाई करते ही वो आपको 5400 में पड़ेगा। अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं जिसकी फीस 9600 है, NM Live कोड अप्लाई करते ही वो आपको 8640 में मिलेगा, यानी 10% डिस्काउंट आपको NM Live कोड से होगा। Frequently asked one word substitutions in CGS, CPO, Steno and CHSL. वैसे अभी हमारा CPO exam सबसे नियर बाय है, पर आपको पता होगा कि CHSL के भी forms आ गए हैं। CHSL मार्च में है, उससे पहले CGL होगा मार्च स्टार्टिंग में, और फिर स्टेनोग्राफर मई में होगा। तो जो one word substitutions आज हम करेंगे वो मैंने डिजाइन किए हैं स्पेशली कि आप वो कॉन्टेंट पा पाए जो लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। हम बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, क्या हम वो पढ़ रहे हैं जो एसएससी लगातार पूछ रहा है? क्या हमारी उस पर नज़र बनी हुई है? तो आज का सेशन मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर इसको एकदम बिना कहीं जाए यहीं पे रह के आप आराम से सेशन को देखिए और बहुत सारी चीज़ें इससे सीखिए। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हम करने जा रहे हैं, एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क। ऐसी सरकारी नौकरी जो आप पाना चाह रहे हैं, यार वेतन तो खूब हो, काम ना करना पड़े, पबजी खेल सकें, आराम से शॉपिंग कर सकें, तो ऐसी सैलरी, मतलब ऐसी हाई सैलरी, सॉरी, ऐसी पोस्ट जिसमें हाई सैलरी हो और कोई काम काज ना हो उसको क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी कहते हैं। बताइए भाई क्या कहते हैं, बोलिए। ऑटोक्रेसी कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, ऑनररी कहते हैं, या साइनेक्योर कहते हैं? बोलिए 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 बोलिए, जो भी आप बोलना चाह रहे हैं बताइए भाई, क्या आपका जवाब है? टाइम लीजिए, सोचिए, कोई जल्दी नहीं है। सोचिए 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 सोचिए, कोई घबराना नहीं है। नेहा मैम है इधर, बताइए। नो फियर व्हेन नेहा मैम इज हियर। ऑटोक्रेसी कहते हैं, साइनेक्योर, ऑनररी, ब्यूरोक्रेसी, बताइए जल्दी 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 जल्दी। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी क्या होता है? देखिए बच्चे, क्रेसी मतलब टाइप ऑफ गवर्नमेंट, क्रेसी मतलब होता है टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का टाइप बताती है, यानी किस प्रकार की सरकार है, कैसी सरकार है ये बताती है। और ऑटो मतलब होता है वन, ऑटो मतलब क्या होता है? वन। तो ऐसी सरकार, ऐसी सरकार जिसे एक इंसान चलाए उसे कहा जाता है ऑटोक्रेसी। तो ऑटोक्रेसी तो नहीं है, क्रेसी फिर आ गया, यानी फिर से टाइप ऑफ गवर्नमेंट आ गया, समझ रहे हैं आप? क्रेसी डिनोट करता है टाइप ऑफ गवर्नमेंट को, फिर से टाइप ऑफ गवर्नमेंट आ गया। और ब्यूरोक्रेट्स क्या होते हैं आपको पता है? ऑफिशियल्स, अधिकारी लोग। ऐसी सरकार जिसे अधिकारी लोग चलाएं, तो ये भी नहीं है, ठीक है। अब बचे बी और डी, क्या बच्चे भाई? बी और डी। ऑनररी क्या होता है बच्चे? आपको कोई पद दे दिया पर जरूरी नहीं आप उसके लिए क्वालिफाइड थे। अगर आपको एक डॉक्टरेट की डिग्री दी गई है तो जरूरी नहीं आपने एसेंशियल क्वालिफिकेशंस आप पोजेस कर रहे थे, पर
आपको वो किस लिए दिया गया, एज ए ऑनर, एज एन ऑनर आपको वो पोस्ट दी गई। जरूरी नहीं कि आप उसकी क्वालिफिकेशंस को फुलफिल कर रहे थे, ठीक है, पर वो आपको पोस्ट दी गई क्यों, एज एन ऑनर, ऑनर के तौर पे। और आप उसमें रहेंगे भी क्या, विदाउट बीइंग पेड, आपको उसके लिए कोई पेमेंट नहीं मिलेगा, पर आपकी काबिलियत को देखते हुए, आपके किसी अच्छे सोशल वर्क को देखते हुए उन्होंने आपको सम्मानित कर दिया डॉक्टरेट की डिग्री से। दिस इज फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग। तो ऐसा पद जो एक ऑनर, सम्मान के तौर पे मिलता है, जिसमें कोई आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, वो होती है ऑनररी। अरे यार, अभी तो हम हाई सैलरी बोल रहे थे और यहाँ का कोई तनख्वाह ही नहीं मिल रही, ऐसी जॉब नहीं चाहिए आप लोगों को, आप लोगों को चाहिए पैसा, समझ रही हूँ मैं। तो वो जॉब है साइनेक्योर, समझ रहे हैं आप। आई होप आप ये सेशन एंजॉय कर रहे हो और आगे भी बहुत एंजॉय करोगे। तो इसका सही आंसर था साइनेक्योर। बहुत बच्चे कह रहे थे कि मैम वो कैब लेके आइए, वो कैब लेके आइए, तो हम वो कैब ले आए हैं, बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट वन, हु डज नॉट टायर इजिली, वन हु डज नॉट टायर इजिली, इसे क्या कहते हैं, इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है बच्चे, इनएविटेबल का मतलब होता है, एविट मतलब अवॉइड, अवॉइडेबल जिसको नजरअंदाज करा जा सके, और इनएविटेबल बच्चे, इन मतलब होता है नेगेटिव, इन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनएविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल, जिसको हम अवॉइड, नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो हमारे समाज में कुरीतियां चल रही हैं, उन वो सब क्या है, इनएविटेबल है, उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वो जरूर दिखेंगी ही दिखेंगी। नेक्स्ट इनफेलिबल, नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई, इनफेलिबल, इसका मतलब देख लीजिए। तो हम पूछ रहे हैं कि वो इंसान जो आसानी से नहीं थकता है, तो वो सी है भाई, नहीं वो सी नहीं है। इनएविटेबल का मतलब तो अनअवॉइडेबल, जिसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। इनफेलिबल, इसको क्या पढ़ते हैं, इनफेलिबल, इनफेलिबल, इनफेलिबल जो कभी गलतियां ना करे, हु डजंट मेक मिस्टेक्स, हु डजंट मेक मिस्टेक्स, जो कभी गलतियां नहीं करता। तो ये भी नहीं है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इनडेलिबल, इनडेलिबल क्या होता है, इनडेलिबल, इनडेलिबल, इनडेलिबल का मतलब, बोलिए बोलिए बोलिए, सोचिए, दैट कैन नॉट बी, दैट कांट बी रिमूव्ड, जिसको हटाया नहीं जा सकता, वॉश नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते। तो एक ही ऑप्शन बचा है, इनडिफैटिगेबल, यस, गेबल नहीं गबल, इनडिफेटिगेबल। तो आपका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। तो वो इंसान जो आसानी से नहीं थकता, भाग मिल्खा भाग, भाग रहा है भाग रहा है, तो आपको भी ऐसे अभी जब तक आपको 3 स्टार नहीं मिल जाते कंधे पे, तो तब तक आपको भागना ही है। अगर आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो 2 स्टार, अगर आप एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो 3 स्टार। तो जब तक आपको अपना जॉब, ड्रीम जॉब नहीं मिल जाता, तो यू हैव टू बी इनडिफेटिगेबल। आपको थकना नहीं है, हार नहीं माननी है, हम होंगे कामयाब एक दिन। समझ आ रहा है भाई आपको, चलिए बहुत बढ़िया। थर्ड देखिए भाई, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय 2 पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट, वो इंसान जो एक कहते हैं ना बिचौलिया टाइप, एक बिचौलिया टाइप होता है, 2 लोगों में बहुत लड़ाई चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपके आपके और आपकी गर्लफ्रेंड के बीच में बहुत लड़ाई चल रही है, और आप अपने दोस्त को फोन कर रहे हो, नहीं या फिर उसकी दोस्त को फोन कर रहे हो, क्योंकि आपके दोस्त से भी वो मानने वाली तो नहीं है। तो आप उसकी दोस्त को फोन कर रहे हो कि यार तुझे ही हमारे बीच के विवाद, डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब विवाद, तुझे ही हमारे विवाद को सुलझाना पड़ेगा। तो फिर क्या हो जाएगा इसका आंसर भाई, देखिए, ऑडिटर, ऑडिटर क्या होता है, ऑडिटर बताइए आप पहले, तो ऑडिटर क्या होता है, ऑडिटर होता है जो ऑडिट करता है, ऑडिट करता है किसको, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, यस, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को ऑडिट करता है किसी भी कंपनी के, जांच करना, ऑडिट करना, जांच करना इसकी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की, कि पैसा कहाँ से आया, कितना आया, कैसे आया, उन सब की जानकारी
कौन करता है, कौन ऑडिट करता है, ऑडिटर। तो ऑडिटर तो इसका आंसर नहीं है। ऑडिटर आपको पता होगा सीजीएल में एक पोस्ट भी है, तो इसका आंसर डेफिनेटली सी तो नहीं होने वाला। ठीक है, अब आगे आइए, और क्या हो सकता है? ब्रोकर, ब्रोकर हो सकता है क्या इसका आंसर? ब्रोकर, ब्रोकर आपने सुना होगा बहुत ज्यादा, अगर आप कहीं दिल्ली में पीजी वगैरह ले रहे हैं या सोच रहे हैं पीजी लेने की, वैसे आपको क्या जरूरत है, आपको तो मैं पढ़ा ही रही हूँ, पर फिर भी जैसे आप फॉर एग्जाम्पल कहीं भी जाते हैं, कोई घर देख रहे हैं, कोई पीजी देख रहे हैं, कोई हॉस्टल देख रहे हैं, तो एक कोई ब्रोकर, ब्रोकर क्या होता है? एजेंट, जो एक तरह से बिचौलिया ही होता है, पर वो कमीशन लेता है। वो कमीशन लेता है कि मैं आपको हेल्प करूंगा कोई नया मकान या कोई नया घर या किसी भी चीज को बाय या सेलिंग के प्रोसेस में, और पर वो आपसे कुछ कमीशन लेगा, कुछ पैसा लेगा, तो वो क्या होता है? ब्रोकर। आप समझ रहे हैं, वो होता है ब्रोकर। ऑडिटर जो ऑडिट करता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का किसी भी कंपनी के। वैल्यूअर जो दाम लगाता है कि यार ये प्रोडक्ट इतने का बिकना चाहिए, इसकी ये वैल्यू है, वैल्यूअर। ठीक है, तो अब आंसर क्या हुआ यार, बोलो? आर्बिट्रेटर। क्या हुआ? आर्बिट्रेटर। समझ रहे हैं यार, एंजॉय कर रहे हो तुम लोग? शाबाश, कतई जहर यार तुम लोग, बहुत, क्या बोलूं यार तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए। नेक्स्ट, अ स्टूडेंट हु इल और विदाउट एक्सक्यूज एब्सेंस हिमसेल्फ और हरसेल्फ फ्रॉम स्कूल। वो स्टूडेंट, वो विद्यार्थी जो एब्सेंट रहता है स्कूल से विदाउट एनी परमिशन या विदाउट एनी एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई परमिशन नहीं, बस गायब हो गए अपने काम से, ऐसे इंसान को क्या कहते हैं? ट्रुएंट, इटिनरेंट, वगरेंट, माइग्रेंट, बताइए भाई। ट्रुएंट, इटिनरेंट, वगरेंट या माइग्रेंट, क्या बोलते हैं? सोचिए सोचिए सोचिए। माइग्रेंट क्या होता है? माइग्रेंट, माइग्रेंट होता है, बोलिए माइग्रेंट क्या होता है बच्चे? माइग्रेंट, माइग्रेंट किसको कहते हैं? यस, जो बोलिए बोलिए बोलिए, एक जगह से वन प्लेस टू अनदर मूव करते हैं, किस लिए? काम ढूंढने के लिए। यस, वो होते हैं माइग्रेंट। समझ आ रहा है माइग्रेंट क्या होता है? कुछ लोग इसको माइग्रेंट पढ़ते हैं, माइग्रेंट नहीं होता, माइग्रेंट। तो माइग्रेंट एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं फॉर वर्क। तो ये तो इसका आंसर नहीं है। समझ रहे हैं? बोलिए बच्चे, समझ आ रहा है बहुत अच्छे से? चलिए बहुत बढ़िया। वैग्रेंट, वैग्रेंट क्या होता है? वैग्रेंट होता है होमलेस, जो ऐसे ही इधर उधर घूम रहा है, जैसा कोई घर नहीं है, आवारा, इधर उधर बस बस घूमना है। ठीक है, इटिनरेंट, इटिनरेंट क्या होता है? वो इंसान हु ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पर यहाँ आपको चीज एक ध्यान रखनी है, मैम ये तो माइग्रेंट भी कर रहा था तो इटिनरेंट भी यही कर रहा है, पर ये जरूरी नहीं कि वर्क के लिए ही हो, काम काज ढूंढने के लिए ही हो, बस इसको घूमना पसंद है, घुमक्कड़ है, एक स्थान से दूसरे स्थान घूमता रहता है। तो इटिनरेंट जरूरी नहीं कि काम के सिलसिले से घूमे, पर माइग्रेंट जो होता है वो किसी काम के जरिए से ही एक स्थान से दूसरे स्थान घूमता है। तो आपके कौन कौन से ऑप्शन तो गए भाई? सी भी ऑप्शन गया, ये भी नहीं है, वैग्रेंट भी नहीं है, माइग्रेंट भी नहीं है, तो क्या आंसर हुआ भाई? बोलिए बोलिए बोलिए। आपका आंसर हुआ ट्रुएंट। बहुत वन वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वन वर्ड है ये। एसएससी की किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, आपको पता ही होगा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे दिया आपको, आपको क्या दे दिया कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और आपको इनको एक वर्ड से सब्स्टिट्यूट करना है, एक वर्ड से सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे कि एक इंसान जो विवाद सुलझाने के लिए बुलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आर्बिट्रेटर। वाक्यांश के लिए एक शब्द। वैल्यूअर क्या था? दाम लगाने वाला, कीमत लगाने वाला। ऑडिटर, ऑडिट करने वाला फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को। ब्रोकर, एजेंट, दलाल जिसे कहते हैं, जो आपको कोई चीज, कोई रेंट पे हाउस दिलवाएगा कुछ भी, और उसका कमीशन आपसे लेगा। समझ आ रहा है आपको? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग
time accurately in spite of motion or variations in temperature, humidity or air pressure. यानी एक तरह से कही जाए कि बिल्कुल exact clock, बिल्कुल सही घड़ी जो एकदम सही समय दिखाए, मतलब उसमें कोई variations ना हो, चाहे वो temperature basis पे हो, चाहे humidity basis पे, चाहे air pressure पे, कोई भी variations ना हो, वो बिल्कुल सही समय दिखाए, ऐसा instrument, यानी एकदम सही घड़ी, तो सही समय दिखा रही है, उसको क्या कहेंगे? अब आप guess कीजिए, अगर आपको कोई idea नहीं है, वैसे मैं आपको एक छोटी सी राय दूंगी कि आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम की ब्यूटी को समझिए. ऑब्जेक्टिव टाइप की क्या ब्यूटी है कि यू हैव ऑप्शंस. ऑप्शंस को ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई भी ऑप्शन की जानकारी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता. मुझे मेरे को तो नहीं लगता है कि बच्चा जब एसएससी की तैयारी कर रहा है तो उसके पास नॉलेज तो है. तो कार्डियोग्राफ है, कार्डियोग्राफ आपको भी पता है हार्ट से रिलेटेड कुछ है, तो ये तो नहीं होगा. क्या है हार्ट से रिलेटेड, तो इसका मतलब क्या होता है, वो एक सेकेंड, कार्डियोग्राफ क्या होता है, वो मशीन जो रिकॉर्ड करती है हार्ट मसल एक्टिविटी, वो मशीन जो रिकॉर्ड करती है हार्ट मसल एक्टिविटी, वो होता है कार्डियोग्राफ. क्रिप्टोग्राफ क्या होता है, क्रिप्टोग्राफ बताइए. क्रिप्टोग्राफ जो कोडिंग और डिकोडिंग का काम करे, कोडिंग या डिकोडिंग का काम करे, वो इंस्ट्रूमेंट क्रिप्टोग्राफ. कार्डियोग्राफ जो हार्ट मसल एक्टिविटीज का रिकॉर्ड रखे. अब आपके पास क्या बचे, ए और सी. ए और सी बचे क्रेस्कोग्राफ, ये प्लांट ग्रोथ एक्टिविटी का ध्यान रखता है कि किस प्लांट में कैसी ग्रोथ हो रही है, उसका इंस्ट्रूमेंट वो कहलाता है क्रेस्कोग्राफ. तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा, क्रोनोमीटर, ये इसका सही जवाब है. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन एसएससी में बहुत कम आया है, पर लेटेस्ट आया है, ये एक या दो बार से ही, इससे ज़्यादा नहीं एसएससी में पूछा गया, और बहुत ही अच्छा सवाल था. तो उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर समझ आया होगा, और चारों के कभी भी अगर आप घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर की, तो बाकी के तीनों ऑप्शंस भी आप ज़रूर देखा करिए, बाकी के तीनों ऑप्शन ज़रूर देखा करिए, क्योंकि जो इस बार ऑप्शन है वो अगली बार क्वेश्चन भी बन सकता है. समझ आया, कार्डियोग्राफ जो मशीन, जो इंस्ट्रूमेंट हार्ट मसल एक्टिविटी को रिकॉर्ड रखे, वो कार्डियोग्राफ. क्रिप्टोग्राफ वो इंस्ट्रूमेंट जो कोड या डिकोड करने का काम करे, किसी मैसेज को, किसी चैट को. क्रेस्कोग्राफ जो प्लांट ग्रोथ एक्टिविटी का ध्यान रखे, उनको रिकॉर्ड करे. और क्रोनोमीटर आपका सही जवाब हो गया, यानी एकदम सही घड़ी जो सही समय बता रही है, कोई वेरिएशन नहीं दे रही, क्रोनोमीटर. सिक्स देखिए भाई, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ अ कंट्री, ये क्वेश्चन अभी आया था और ये क्वेश्चन पहले भी बहुत बार आ चुका है. ये क्वेश्चन सीजीएल 2015 मेंस में भी आया था, 2015 मेंस में आया है, 16 में आया है, 17 में आया है और 18 में भी इस बार आया है. चार सालों से लगातार पूछा जा रहा है. ओलिगार्की, प्लूटोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी, थियोक्रेसी. अभी थोड़ी देर पहले आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि क्रेसी क्या होता है, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट टाइप, ठीक है. और अभी आपको मैं बता दूं, आर की भी वही होता है. यहां समझिए, क्रेसी या आर की आपको जहां भी दिखाई दे वो किसी ना किसी गवर्नमेंट को शो करेंगे, वो किसी ना किसी गवर्नमेंट को शो करेंगे. गवर्नमेंट यानी सरकार, यानी सत्ता जो कंट्रोल रखती है, जो कंट्रोल रखती है किसी राज्य पे, किसी देश पे, किसी साम्राज्य पे. तो अरिस्टोक्रेसी क्या होता है, अरिस्टोक्रेसी होता है अ गवर्नमेंट बाय नोबल्स, ऐसी सरकार जिसको कौन चलाए, नोबल्स, शाही लोग, एलीट, कुलीन वर्ग के लोग, अरिस्टो, अरिस्टो मतलब नोबल्स. तो नोबल्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे, स्मॉल ग्रुप की बात हो रही है, तो ये तो नहीं है. थियोक्रेसी, थियो बच्चे थीस्ट, थीस्ट क्या होता है, आस्तिक, जो भगवान में विश्वास रखे, धर्म में विश्वास रखे. थियोक्रेसी, था, थीस्ट, तो ऐसी सरकार जिसे भगवान चलाए, भगवान तो नहीं चला सकते सरकार को, हालांकि कुछ सरकारें ऐसी हैं जो भगवान भरोसे ही चल रही हैं,
पर यहाँ पे आपको जवाब देना होगा, वैसे इम्प्रैक्टिकल है भगवान का सरकार चलाना। तो थियोक्रेसी, मैंने कहा थियस्ट जो किसी धर्म या किसी भगवान में आस्था रखे, तो थियोक्रेसी वो सरकार जिसको धार्मिक लोग चलाते हैं, योगी आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ टाइप सरकार, मतलब बहुत ही रिलीजियस सरकार इज थियोक्रेसी। That was just a joke. So, इसको बहुत ज़्यादा आजकल बहुत ही मैं डरती हूँ कुछ भी ऐसी बातें करने से, क्योंकि बहुत एक तरह का ना मैं देखती हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा फेवरेट पार्टीज हो गई हैं लोगों की, तो बहुत डर लगता है यार कि कोई कमेंट कर दे कि नहीं मैं योगी आदित्यनाथ का फैन हूँ, मैम ये कैसे बोल दी वो बोल दी, डर लगा रहता है यार। जब क्लास से भी आती हूँ मैं तो लगता है कि कभी कोई कोई बीजेपी का कोई कांग्रेस का कोई पीछे ना लग जाए, ठीक है? तो आप लोग भी दिल पे मत लीजिएगा। तो जो यूपी के लोग मुझे देख रहे होंगे खास तौर से वो, तो थियोक्रेसी क्या है? ऐसी सरकार जिसे बहुत ही धार्मिक लोग चलाएं, तो ये भी नहीं है, ठीक है? प्लूटो, प्लूटो में साउंड आ रहा है लूटो, इस इंसान को देखते ही मन करता है यार इसको तो लूट लो, बहुत ही जो पैसे वाला दिखे यार उसको तो मन करता है यार इसको तो लूट लिया जाए, ठीक है? दैट जस्ट आई वाज जस्ट किडिंग कि आपको याद हो सके, लंबे टर्म तक याद हो सके। तो लूटो जहाँ पे भी साउंड आया, यानी ऐसी सरकार जो रिच है, ठीक है, हालांकि सरकारें लूटती हैं पर प्लूटोक्रेसी में सरकार ही क्या है, बहुत रिच है, उसको लोग लूट सकते हैं। तो प्लूटोक्रेसी अ गवर्नमेंट बाय रिच पीपल, अ गवर्नमेंट बाय रिच पीपल। थियोक्रेसी अ गवर्नमेंट बाय रिलीजियस पीपल। समझ आ रहा है आपको? बहुत बढ़िया। प्लूटो ऐसी सरकार जो रिच है जिसको लोग लूट सकते हैं, थियोक्रेसी बहुत ही धार्मिक है, एकदम धर्म पे बेस्ड है, नाम बदलने का काम कर सकती है। अरिस्टोक्रेसी अ गवर्नमेंट बाय नॉबल्स, कुलीन वर्ग के लोग, तो छोटा ग्रुप, ओलिक ओलिक ओलिक, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर? ओलिगार्की, इसका सही जवाब ओलिगार्की। समझ आ रहा है भाई आपको? बोलिए बोलिए बोलिए, अरे पढ़ा कौन रहा है, सब समझ आएगा यार तुमको, तुम टेंशन मत लो। और हाँ एक चीज का ध्यान रखना, जिन बच्चों का पेपर 9 से 13 के बीच में है, रिलैक्स रहिए, जितनी तैयारी होनी थी बच्चे तैयारी तो आपकी हो गई है, ये टाइम है रिलैक्स रहने का, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, सुबह उठिए थोड़ा सा खुली हवा में जाइए, ज्यादा अपने आप को एक कमरे में बंद ना करें, थोड़ा सा बाहर की फ्रेश एयर लीजिए, जिस दिन आपका एग्जाम होगा टाइम से बहुत पहले निकल जाना, ठीक है? इट्स बेटर टू बी यू नो कि बहुत हरी में है, कोई चीज रह गई, एडमिट कार्ड रह गया, आईडी प्रूफ रह गया, आराम से टाइम से निकल जाना, ठीक है? लेट मत होना। अ व्हीकल फॉर कन्वेइंग द कॉफिन एट अ फ्यूनरल, वो एक गाड़ी जिसमें डेड बॉडी को फ्यूनरल तक ले जाया जाता है, उस गाड़ी को क्या कहते हैं? एम्बुलेंस, बेयर, हर्स, वैन। अब वैन तो कोई भी नॉर्मल गाड़ी हो सकती है, तो वैन तो नहीं होगा इसका, जाहिर सी बात है। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस तो आपको पता ही है, आपातकालीन स्थिति के लिए बुलाया जाता है कि उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके, ये भी नहीं है। अब बचा ये, तो इस तरह से आपको एग्जाम में खेलना है। समझ आ रहा है भाई आपको? आप एंजॉय कर रहे हैं सेशन? बोलिए भाई, हाँ ना, कुछ तो बोला करो यार, तुम कॉमेंट भी नहीं करते हो, कुछ बता दिया करो यार, कुछ भी नहीं बताते, कुछ कमेंट करवा करो अच्छा सा कि बताइए। जैसे पिछली बार किसी एक लड़की ने कमेंट किया था, मैं वो कैप पे हमारी वीडियोस लाई है, हमारा पेपर आ रहा है तो उनके लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है, वैसे बाकी बच्चों के लिए भी है, पर वो बताए तो मुझे समझ आया, तो आप लोग भी बताया करो यार। अच्छा, तो अब हर्स, इसको क्या पढ़ते हैं? हर्स, ठीक है, हर्स सीनी, हर्स। और ये क्या है? बियर, ये नहीं, वो बियर नहीं, ठीक है, वो आप सिलेक्शन के बाद ट्राई करेंगे, ठीक है? ये क्या है? बेयर। और ये क्या है? हर्स। तो इन दोनों में से कोई होगा एक। बच्चे ये जो बेयर होता है, र नहीं बोलता, बेयर बेयर, तो इसका जवाब क्या है? वो एक जो लकड़ी का फ्रेम होता है, ठीक है, जिस पर फ्यूनरल को, सॉरी, फ्यूनरल से पहले, अंतिम संस्कार से पहले रखा जाता है डेड बॉडी को, ये बेयर उसको कहते हैं। वो जो एक फ्रेम होता है, वुडन फ्रेम, उस पे रखा जाता है डेड बॉडी को फ्यूनरल से पहले, ये तो वो है। हम तो गाड़ी पूछ रहे हैं, वो गाड़ी जिस पे फ्यूनरल तक ले जाया जाएगा, उसका सही जवाब है हर्स। समझ आ रहा है आपको भाई? बोलिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए यार। चलिए बहुत अच्छा,
बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये सुन के कि आप एंजॉय कर रहे हो. बच्चे ये जो 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं आज लेके आई हूँ, मैं उम्मीद के साथ कह सकती हूँ कि आने वाले एग्जाम्स में आप देखना सीपीओ सीजीएल सीएचएसएट और आपके स्टेनोग्राफर आपको ज़रूर यहाँ से क्वेश्चंस टकराएंगे. और आने वाले सेशंस में बहुत सारी वोकैब्स ग्रामर के बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, आई एम श्योर कि आप उनको बहुत ही दिलचस्प तरीके से पढ़ पाएंगे. 8th पॉइंट क्या कहता है, वन हुज हॉबी इज स्टैम्प कलेक्शन. वो इंसान जिसको स्टैम्प इकट्ठा करने का शौक होता है, हॉबी होती है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, उस इंसान को क्या कहते हैं जिसकी हॉबी क्या है स्टैम्प कलेक्शन. उस इंसान को क्या कहते हैं जिसकी हॉबी क्या है स्टैम्प कलेक्शन. पहला ऑप्शन फोनोलॉजिस्ट, नेक्स्ट फिलेंथ्रोपिस्ट, नेक्स्ट फिलेटिलिस्ट, फिलेटिलिस्ट, नेक्स्ट पेनेजिरिस्ट, पेनेजिरिस्ट, पेन ए जिरिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट, फोनोलॉजिस्ट, फिलेटिलिस्ट, फिलेटिलिस्ट. ओके, चार ऑप्शंस हैं आपके पास, बताइए भाई क्या जवाब हो जाएगा. बोलिए 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 बच्चे. फोनो, आपको पता होगा फोनो कुछ साउंड से रिलेटेड होता है, फोनो कुछ साउंड से रिलेटेड होता है. तो और लॉजिस्ट यानी कुछ स्टडी से रिलेटेड, वो इंसान जो साउंड की स्टडी करे, वो इंसान जो साउंड की स्टडी करे वो होता है फोनोलॉजिस्ट. वो इंसान जो साउंड की स्टडी करे वो होता है फोनोलॉजिस्ट. तो ये तो इसका आंसर नहीं है. फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब परोपकारी. क्या होता है? परोपकारी, उदार व्यक्ति, जो लोगों की सहायता करता है, चाहे वो फाइनेंशियल तौर से हो या कैसे हो, कोई भी, मतलब परोपकारी है वो. आम जो जो नीडी है, पुअर है, उनकी मदद करता है फिलेंथ्रोपिस्ट, परोपकारी. फिलेटिलिस्ट एंड पेनेजिरिस्ट, अब ये दो आपके पास बचे, गैस कीजिए भाई. बचे आपने पेनेजिरिक सुना होगा, पेनेजिरिक नहीं सुना तो कोई बात नहीं. तो आपने यूलॉजी सुना होगा, यूलॉजी, एक सेकेंड, यूलॉजी, ई यू एल ओ जी वाई, यूलॉजी. पेनेजिरिक या यूलॉजी का मतलब होता है प्रशंसा. इन दोनों का मतलब क्या होता है? प्रशंसा. पेनेजिरिक या यूलॉजी, यूलॉजी की स्पेलिंग अगर आपको लग रहा है कि मैं ढंग से नहीं लिखी है, मुझे भी लग रहा है. आपको जो लगेगा वो मुझे नहीं लगेगा कि यार दिल से दिल का कनेक्शन है यार, दिल से दिल का. बताइए भाई, तो यूलॉजी का मतलब होता है प्रशंसा. पेनेजिरिस्ट वो वक्ता, वो वक्ता यानी ऑरेटर, वक्ता यानी ऑरेटर, वो ऑरेटर जो अपनी स्पीच में क्या रखे, यूलॉजी. वो ऑरेटर भाई जैसे कोई पॉलिटिशियन है और वो किसी की तारीफ में कोई स्पीच दे रहा है, कोई पॉलिटिशियन है वो किसी की तारीफ में कोई स्पीच दे रहा है, तो उसे क्या कहे जाएगा? पेनेजिरिस्ट. कब? ये नहीं कि स्पीच देने वाले को पेनेजिरिस्ट कहा जाएगा, वो उसे पेनेजिरिस्ट कब कहा जाएगा? जब वो अपनी स्पीच में प्रशंसा का जिक्र करेगा. यूलॉजी, यूलॉजी मतलब प्रशंसा, ठीक है, प्रेज, किसी की प्रोत्साहना करना, किसी की प्रशंसा करना. समझ रहे हैं आप? चलिए बहुत अच्छी बात है. तो एक ही ऑप्शन बचा है, यानी आपको पता लग गया यार ये तो ए भी नहीं है, ये तो बी भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो इसका हो गया फिलेटिलिस्ट. समझ आया भाई आपको? समझ आ रहा है? चलिए बहुत अच्छे. 9th और 10th दो क्वेश्चन और बचे हैं और दोनों ही बहुत ही मस्त क्वेश्चन हैं, बोले तो एकदम जहर. मेरी भाषा में जब भी कोई अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कते जहर. मुझे ये वर्ड बहुत अच्छा लगता है, जहर, क्योंकि आजकल लोगों की जिंदगी में बहुत जहर खुल गया है यार. इतना जहर क्यों है लोगों की जिंदगी में? क्यों लोग प्यार मोहब्बत से नहीं रह सकते?
क्यों लोग हमेशा दूसरे लोगों को नफरत भरी जहर भरी निगाहों से देखते हैं, तो ये क्वेश्चंस भी कैसे हैं एकदम जहर वाले, जो थोड़ी सी तकलीफ देते हैं, जिनको देखते ही आप कहते हो अ वेरी गुड क्वेश्चन बट दिस क्वेश्चन हर्ट मी। आपने तनु वेट्स मनु रिटर्न्स देखी होगी, उसमें एक पप्पी भाई साहब का कैरेक्टर है, तो जो भी कोई उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन जैसे ही पूछता है एक सेमिनार में, कहता है यू आर ए गुड क्वेश्चन बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। तो इस प्रकार की इंग्लिश आपको खैर एसएससी के लिए नहीं पढ़नी है। तो दैट वॉज अ जोक। अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च, बहुत ही सहर एकदम मतलब मस्त है, बहुत ही बार आया हुआ क्वेश्चन है। अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च, जो चर्च में छोटी सी मंडली होती है गायकों की, उसको क्या कहा जाता है? बच्चे ट्रूप, ट्रूप का मतलब क्या होता है? ट्रूप का मतलब होता है सेना, और सेना किसकी होती है भाई? सेना बताइए किसकी हो सकती है? सोल्जर्स की, और किसकी हो सकती है? यस मॉन्कीज, और किसकी हो सकती है? तपो सेना भी हो सकती है। चिल्ड्रेन, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तपो सेना आती है, आपको पता है। तो सेना तो नहीं है इसका आंसर, सेना तो बहुत बड़ा दल हो गया, सोल्जर्स वगैरह की सेना होती है। बैंड, बैंड ग्रुप ऑफ सिंगर्स होता है, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, पर वो बच्चे ज़रूरी नहीं चर्च, वो चर्च वगैरह के लिए नहीं होता है, वो तो आप कोई भी पॉपुलर म्यूजिक में जो पॉपुलर म्यूजिक प्ले करते हैं, बैंड तो उनका होता है जो पॉपुलर म्यूजिक कोई प्ले करते हैं, तो बैंड नहीं है। बैंड वॉज क्लोज इनफ बट नॉट द राइट आंसर। होस्ट तो नहीं हो सकता, होस्ट तो कोई जो प्रोग्राम होस्ट कर रहा है। तो बच्चे इसका सही आंसर क्या है? कॉयर। इसका क्या आंसर है सही? एक सेकेंड, सॉरी, इसका सही आंसर है क्वायर पढ़ते हैं, कॉयर नहीं क्वायर। क्या सही आंसर है? क्वायर, CHOIR, क्वायर। मैंने आपको बताया कि बैंड इसलिए नहीं हो सकता, बैंड इज ऑफ म्यूजिशियंस हु प्ले पॉपुलर म्यूजिक, गॉट इट? बहुत बढ़िया। टेंथ लास्ट वन वर्ड पे हम आ गए हैं, ये तो उससे भी ज्यादा जहर है। A large deep metal pot used for cooking over open fire. Metal pot, एक बड़ी सी केतली जो एक आग पे रख दी जाती है, open fire पे, गैस वगैरह पे नहीं, open fire पे, एक खाना बनाने के लिए या cooking के लिए, किसी भी चीज को cook करने के लिए, एक बहुत बड़ी deep मतलब shallow नहीं, काफी deep है केतली, नहीं या कढ़ाई टाइप, कितनी नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है, कढ़ाई टाइप जो ओपन फायर पे रखा जाती है, आप उससे कुकिंग के लिए लोग यूज करते हैं, इसका आंसर क्या हो सकता है? बैरल, केटल, स्किलेट, कॉल्ड्रन, बताइए भाई। बैरल, केटल, कैटल नहीं, केटल पढ़ेंगे, कैटल इज डिफरेंट, जिसको आप कैटल पढ़ते हो वो क्या है? बच्चे कैटल इज मवेशी, घास फूस खाने वाले जानवर, कैटल, इसको पढ़ते हैं कैटल, ठीक है। ये है केटल यानी केतली, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में केतली, ठीक है। तो ये है केटल, तो केटल तो आपको पता है गर्म पानी या गर्म चाय के लिए होती है, तो वो तो नहीं है बिल्कुल भी। बैरल क्या होता है? बच्चे ये वुडन का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है, ये लिक्विड रखने के लिए होता है, जिसका टॉप और बॉटम तो फ्लैट होता है, पर ये जो बीच में काफ़ी थिक होता है, राउंडेड होता है शेप, ठीक है, पर ये किसी लिक्विड को रखने के लिए काम आता है। टॉप, देखिए मैं एक बार और अच्छे से, यस, और ये इसका बॉटम भी फ्लैट, टॉप भी फ्लैट, पर इस तरह से ये राउंडेड होता है बीच में से, मिडल में से, ये लिक्विड के लिए होता है। और केटल भी आपकी क्या है? लिक्विड के लिए, गर्म पानी या गर्म चाय के लिए। अब ऑप्शंस आपके बच्चे स्किलेट, स्किलेट पढ़ेंगे, और कॉल्ड्रन, स्किलेट और कॉल्ड्रन। बच्चे स्किलेट क्या है? ये तो एक फ्राई पैन है, एक पैन जो होता है फ्राइंग पैन, जिसमें आप ऑमलेट वगैरह बनाते हैं, तो ये तो पैन, ये तो नहीं होगा इसका आंसर,
फिर जाहिर सी बात है क्या बचा भाई आपका, कॉल्ड्रन। कॉल्ड्रन होती है बड़ी सी कढ़ाई जो आपने मूवीज, एनिमेटेड मूवीज, हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, जो विच यूज करती है जादूगरनी, जादू कुछ टोने टोटके के लिए आपने देखा होगा, और वो बहुत बड़ी सी कढ़ाई होती है, उसमें वो इस तरह से अपनी कुछ जो स्टिक है वो घुमाती है, कॉल्ड्रन उसे कहा जाता है, बहुत बड़ी कढ़ाई जो होती है, ठीक है, उस पर आप कुकिंग भी करते हैं। उधर उधर मैंने एग्जांपल दिया कि आप विच से आपको याद आ जाए, वो जो कहानियों में होती है, जो अगर आप कोई कॉमिक कैरेक्टर्स आप कभी पढ़े हो उनमें वो जो विच होती थी, फोटो दिखाते थे, वो कुछ कढ़ाई में बना रही होती थी कुछ जादूगर टोने टोटके करने के लिए, वो होता है कॉल्ड्रन। समझ आ रहा है भाई आपको? बोलिए भाई। तो आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। मंत्र ऑफ सक्सेस क्या है मेरे अनुसार? मेरे अनुसार सबसे पहले कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है यार। आत्मविश्वास के बिना तो कुछ भी नहीं होना। पहले ये तो जान लीजिए, ये तो मान लीजिए कि हाँ मैं कुछ हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं लाइफ में ऐसे ही नहीं आया हूँ। हर किसी का लाइफ में आने का एक पर्पस होता है और मेरे में वो काबिलियत है कि मैं कुछ बन सकता हूँ। टाइम मैनेजमेंट, टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए। मैंने पहले भी कहा है, व्यर्थ के लोगों में, व्यर्थ की चीज़ों में अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि समय कभी लौट के नहीं आता है। प्रैक्टिस कीजिए जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं अपने आप की इम्प्रूवमेंट के लिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए, सब अच्छा होता है जिंदगी में। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता जो हुआ था वो अच्छे के लिए हुआ था, आगे भी जो होगा वो जिंदगी में अच्छे के लिए ही होगा। इस चीज़ को आपको बहुत ही ध्यान रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड। वही मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। एक छोटी सी शायरी से मैं अंत करना चाहूँगी कि मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, खुशबू जहाँ भी है मेरी कर्जदार है। ए वक्त होगा एक दिन तेरा मेरा हिसाब, ए वक्त होगा एक दिन तेरा मेरा हिसाब, मेरी जीत ना जाने कब से तुझ पे उधार है। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, आपने इससे बहुत कुछ सीखा, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। नॉलेज बांटने से बढ़ती है, कभी भी वो घटती नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लेट्स क्रैक इट।